अलैकुम। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये मेरा नाश्ता आ गया, मैं भी नाश्ता करता हूँ, उसके बाद जो है ना हम चलते हैं अपने बाग में और वहाँ पे देखते हैं हमारे मिस्त्री हजरात आज क्या काम कर रहे हैं। मैं ये वीडियो एडिट हो रही थी, ये बस ये हो गई है, इसके बाद इसमें अपलोड करता हूँ। मैं चलता हूँ अपने बाग में, वहाँ हम देखते हैं आज हमारा डेली रूटीन वर्क क्या है। और ये रहा मेरा शहजादा, इसका नाम सफ़ीर हुसैन है, जिसके नाम से मेरा सफ़ीर लाइफ व्लॉग के नाम से चैनल है। तो ये है भी मेरा काका, ये मेरे साथ ही रहता है सारा दिन। ये जो आज ये दीवार मुकम्मल हो गई है, ये वाली जगह हमने छोड़ दी थी ताकि इसमें कोई गेट वगैरह के पिलर आने हैं, तो इस वजह से हमने छोड़ दी। और ये वाला जो है ना, ये अब हमने जो ना तीन रद्दे इसके ऊपर करवाए हैं, क्योंकि छत जो है थोड़ी सी नीचे आ रही थी, तो हमने इसको सोचा कि तीन रद्दे इसके ऊपर करवा दें। इंशाल्लाह कल हम जो है ना इसके अंदर टीयर गार्ड उठा के साथ डाल देंगे। और ये अभी मिस्त्री मजदूर नीचे आ गए हैं, उसके बाद हमने वहाँ पे जाना है, एरा निकलवाना है वहाँ पे, उस दीवार को वहाँ तक देना है। और इसकी बरामदे की जो हाइट है, ये यहाँ से ऊँचाई आपको जो है ना ये 15 फुट दिखाई दे रही है, और 15 फुट ही हमने इसको आगे इंक्रीज करना है, आगे बढ़ाना है इसको थोड़ा सा। गार्डर यहाँ से उतरवा ली है, दीवार की हाइट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। और अब हम जा रहे हैं अपने एरे की तरफ, हम उसका एरा निकलवाएंगे इस दीवार का जो हमने, ये आप देख सकते हैं सामने, हमने इसको देना है। और ये गार्डर को बाहर लेके जा रहे हैं, और जो ईंटें बच गई हैं उम्मीद काफ़ी है कि जो हम ये दीवार देनी है इसकी, आप हाइट देख सकते हैं काफ़ी सारी इसकी बड़ी हाइट है। और आप नीचे से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। जो मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ कि हमने कमरों की हाइट कितनी रखी है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से आपने कमरों की हाइट देख ली है, आपको नज़र आ गई है, मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कि आपको नीचे से खुद अंदाज़ा करेंगे ये कितना बड़ा हमने इसके ऊपर जो है ना कमरे की हैरा रखा है, और दीवार हमने कितनी बड़ी लगाई है। थोड़ी ईंटें पड़ी है इसके ऊपर से, मुझे चल के जाना पड़ेगा। और गर्मी की जो सूरत हाल आज आपके सामने है, समझ ऐसे लग रही है कि जैसे जून की गर्मी पड़ गई हो। यहाँ से नीचे उतरना थोड़ा सा मुश्किल है, चलो कोशिश कर। अभी गिरने लगा था, बच गए। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें ये कितना बड़ा आपको हाइट दिखाई दे रही है कमरे की। ये अभी जो है ना, ये हमने मिट्टी डाल के भी कुछ इसको बंद किया हुआ है। तो ये है जी हमारे कमरों की हाइट, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको पीछे चल के दिखाता हूँ, ये देखें अच्छा जी, यहाँ तक जो कमरे आ रहे हैं हमारे, ये यहाँ तक जो है हमारा हो जाता है जी डेरे का एरिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके आगे जो है ना हमारा वो अंदर वाला निज़ाम जो है डेरे का वो शुरू होगा। ये बाहर वाला एरिया हमने ये देख सकते हैं कि मुकम्मल हो गया, कल हम इसके ऊपर छत डाल देंगे। और ये जी गंदम को हमने जो है ना कल पानी लगा दिया था, ये यहाँ पे कनेक्शन जॉइंट किया जा रहा है और इसके अंदर से ये पानी स्टार्ट हो जाएगा। नीचे वो मिसाइल पंप लगा हुआ है, उसकी वीडियो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये उस जगह की सफाई की जा रही है ताकि हम वहाँ से एरा निकाल के अपनी दीवार को ऐड कर दें इसके अंदर। और अभी हम इसका रेत डाल के हम उसकी सफाई कर रहे हैं ताकि उसका रंग वगैरह उतर जाए, और उसके बाद हम इसको रंग करेंगे। सीनियर मजदूर ये आ गए हैं जी,
सीनियर मजदूर हैं जी हमारे इलाके के और हमारे इस लेबर में सबसे सीनियर मजदूर। अब जो है ना हम इसकी दीवार की जो है ना पेमाइश निकाल रहे हैं कि हमने कहाँ पे एरा डालना है। ये मेरे ख्याल से मिस्त्री साहब ने धागा डाल दी है, अब ये उसकी पेमाइश करेंगे कहाँ पे इसने आना है। जी वालेकुम सलाम। 016 वाला नंबर जैस पे है मेरा, व्हाट्सएप बना उस पर भेजा आपने। और ये इस दीवार की हाइट हमने शुरू से लेके यहाँ तक लेके जानी छाप तक आपको रद्दे दिखाई दे रहे हैं। और ये बरामदे की पेमाइश माशाल्लाह से मेरे ख्याल से 60 फुट के करीब हो जाएगी। कार पे मैंने कहा थोड़ी सी सर्विस की जाए, ये भी काफ़ी दिनों से जो है ना रैली हो गई थी। और हम जो है ना गार्डर को रंग करेंगे, उसके बाद फिर इसको ऊपर छत के डालेंगे। केवी डालने के बाद जो है ना फिर हम इसके ऊपर जो है ना चुनाई शुरू करेंगे। दोम का एरा डालेंगे, उसके बाद फिर उसको फिल करके फिर ऊपर की जो है हम ईंट लगाएंगे। और ये देखिए हमारे जो गार्डर तीनों हैं वो रंग हो गई हैं दो कमरों के लिए। फाइनली मेरे ख्याल से इनको एक एक और कोट भी है वो भी लग चुका होगा, ये शायद ये अभी लगा रहे हैं एक और कोट। ये फाइनल कोड जो है ना इसको लगाना शुरू हो गया, उसके बाद सूखने के लिए हम इसको रख देंगे इंशाल्लाह। सुबह आते सारे ही हमने इसको ऊपर जो है ना चढ़ाई कर देनी है।
पोचा से पोचा लग गया पोचा उन्हें आख्या मन से जो हाथी नाल पड़े गए ते हाथ रंगी भी नाल गए इसे नाल हाथी भी गए पड़े गए जो अंतिम जी मारे जार कहने वाल नहीं बल्ले आओ वाल नहीं बल्ले वाल नहीं मैं तो सिर्फ पोचा ते मैं चाहे जा तुम ते अपना तेल दे जाओ हलात दे जाओ मैं सभी ले खड़ा करें इंग्लैंड गार्डर बहुत अच्छे इंग्लैंड ये हमने ईंटों को पानी लगाना शुरू कर दिया है इसलिए क्योंकि कल हमने यहाँ पे छत जब हम डालेंगे उसके बाद जो है ना इसके ऊपर एक मॉल बनता है डिज़ाइन सा होता है इसके ऊपर बाउंड्री बनती है उसके लिए जो हमें अव्वल ईंट ज़रूरत थी तो इसलिए हमने इसको जो है ना पानी इसके ऊपर डाल रहे हैं ताकि इसकी उतराई है पूरी हो जाए सुबह जो है ना उसको लगा देंगे रहा हमारा में इंशाल्लाह अभी कम्प्लीट हो जाएगा फिर उसके अंदर हम रोड़ा डालेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी कटाई होगी उसके बाद फिर इसकी चुनाई पूरी दीवार मुकम्मल कर रहे हैं मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने ये दीवार देनी जहाँ पर आपको डंडा भी चाहिए यहाँ पर कहेंगे इसको बांस बोलते हैं बांस का यहाँ पर आ जाएंगे मिस्त्री साहब उसके बाद ये फिर हमने गेट के लिए जगह छोड़ दी चार पहले इधर खवा लिए ताकि पानी के साथ यहाँ से हम रिलैक्स होकर बैठे क्योंकि यहाँ पर बैठने की जगह तो नहीं है और कभी ईंटों को तो कभी ज़मीन पर बैठना पड़ता है एक आज का काम जो है ये कंप्लीट हो गया और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म ये हमारे बार भी जो है दीवार के ऊपर हो गए उसके बाद इंशाल्लाह कल हम छत डालेंगे और छत की वीडियो भी बनाएंगे।